सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका रैट्स की दुनिया में। ओम साई राम। तो जी हाँ, आज रैट्स हाजिर है घर की पहली शादी का एपिसोड 8 लेकर। पंचिका की शादी आज हम बताने वाली हूँ आप लोगों को कि कैसे क्या कब क्या क्या हुआ इस इवेंट में। तो जी हाँ, अ वेरी मेमोरेबल डे, वेरी प्रेशियस डे, वेरी स्पेशल डेट 28 नवंबर। जी हाँ, शादी का दिन था, सुबह घड़ोली हुई, हल्दी हुई, सेम डे ही ये इवेंट थे। तो एज आई टोल्ड यू कि मेहंदी रात बहुत लेट सोना हुआ, 6 बजे मैं सोई थी और 8 बजे आई वॉज अगेन रेडी नहा धोकर कि हमें कोई मॉर्निंग के रिचुअल्स करने होते थे जो हमारे इन लॉज की तरफ के होते हैं। सो वी डिड दैट एंड इतने में पंडित जी आ गए, हल्दी वल्दी हुई, घड़ोली हुई एंड 3 o'clock, बाय 3 o'clock शी हैज़ टू रीच अपने पार्लर वंशिका को। तो फटाफट उसको रेडी किया, खाना वाना खिलाया एंड वंशिका निकल गई। देन आई वॉज एक्सप्लेनिंग मम्मी कि आपको साथ में क्या क्या लेकर आना, क्योंकि हम चारों सिस्टर का जो पार्लर बुक था, जो भी ब्यूटिशियन आनी थी, जो भी मेकअप आर्टिस्ट आनी थी, वो हमने वेन्यू पे ही बुला रखी थी। तो मैं बहुत फर्म थी क्योंकि साया बहुत तेज था 28 नवंबर का। मैं बहुत फर्म थी कि मुझे जो भी मेकअप आर्टिस्ट बुक करना है वो मुझे वेन्यू चाहिए, मुझे घर पे नहीं चाहिए, मुझे किसी पार्लर में नहीं जाना है। क्योंकि हमें पता था छतरपुर जाना हमें, तो मुझे था कि एटलीस्ट मैं वेन्यू पे होंगी तो कोई घर का जो प्रेजेंट होना। तो जस्ट एक्सप्लेनिंग मम्मी कि ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि वंशिका का कुछ सामान लेकर आना था जो उसका जाना था। तो कुछ तीन के करीब चार के करीब बैग से जो उस दिन उसके साथ जाने थे, उसमें जो उसकी कुछ और चीज़ें थी जो उसको बिगनिंग के डेज में ही चाहिए थी। हाँ, मेरी सिस्टर्स भी बैठी थी, तो हाँ आई वॉज एक्सप्लेनिंग मम्मा यह अटैची लेके आनी है, ये वंशिका का बैग है एंड आई ब्लास्ट मीन्स बहुत दिनों से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था, बहुत स्ट्रांग बन के चल रही थी। मीन्स आई वॉज अ हैप्पीएस्ट पर्सन। सो एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग, मीन्स जैसे बेबीज नहीं रोते हैं। आई वॉज सो सेंटी कि यस, द फाइनल डे हैज अराइव। अब पता है कि विजया की विदाई होनी है एंड मेरी सिस्टर्स, मेरी मम्मा के क्या हो गया। आई रिमेम्बर मैं इतना रोई कि सिस्टर्स घबरा गई कि पता नहीं कुछ हो गया है क्या। एंड मम्मा अंडरस्टूड एंड देन मम्मा कहती है निकलने दे, इतने दिन से चल रही है ना अब इसका। सो वो बहुत इमोशनल डे था और वो घड़ी से मैं लो होती गई। लो पगड़ी बांधने वाले आए हुए थे, जो पगड़ी बांधते तो डेट आई कैप्ट ओनली कबीर एंड मैगी, कि बाकी सबके लिए मैंने रेडीमेड पगड़ीज खरीदी थी विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम चांदनी चौक एंड यू नो शुरू का बिग सब लोग बहुत टाइम थे। और द बेस्ट पार्ट अगेन गुनीत विदी, लाइक आई मस्ट से दे आर रियली प्रोफेशनल। मैं सगन पे भी हम उनके सीनियर आर्टिस्ट से तैयार हुए थे और उन्होंने हमें ऐसे तैयार कर दिया था बिफोर टाइम एंड सेम इट हैपन्स विद वंशिका। मैं बहुत पैनिक थी कि साया बहुत तेज है, टाइम से पहुँच जाएगी, बट अभी हम तैयारी हो रहे थे एंड मैं क्या देखती हूँ वंशिका आ गई है एंड आई वॉज लाइक जैसे कहते ना एक आप पॉज हो गया वंशिका को देख कर। बहुत मुझे क्यूरियोसिटी थी डेकोरेशंस कैसे हुए क्या हुआ है। जैसे मैं रेडी हुई मैं बाहर आई, मैंने देखा एंड अरेंजमेंट्स वर वेरी वेरी गुड। वंशिका की शादी हम लोगों ने डिवाइन फार्म हाउस की थी, आई एम श्योर यू आई टोल्ड यू व्हेन हमने भी वहाँ पर पूल पार्टी भी ऑर्गेनाइज की थी। तो मैंने एक्चुअली हाउ आई कम टू नो अबाउट डिवाइन फार्म, मैंने अपने घर की कोई एक शादी वहाँ पर अटेंड की हुई थी कोविड का। तो हर्षित का ड्रेस कोलाज करके पिक्चर देखना कि दोनों का, हर्षित और वंशिका का ड्रेस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो बहुत ही वंशिका का लुक लाइक गुड। थैंक यू गुनीत फॉर मेड माई डॉटर सो प्रिटी ब्राइड। सो लाइक अनएक्सपेक्टेड लुक केम फॉर वंशिका, रियली डिफरेंट। बहुत सॉर्टेड थे चीज़ों के लिए कि यही पट्टी लगानी है, ऐसे वाला नहीं लगाना है। ओनली थिंग हमारे कहाँ विचार नहीं मिले थे बताती हूँ। आई वॉज बिहाइंड वंशिका की वेडिंग में यू शुड वेयर योर रियल गोल्ड, वेयर शी वॉज नॉट अग्री विद मी। तो मैं शुरू से जब से मेरी बेटी हुई थी
आई वॉन्ट दैट कि जब भी मेरी बेटी की शादी होगी मैं उसको रियल गोल्ड पहनाऊंगी उसकी शादी पे, नो मोटिवेशन ज्वेलरी. बट इस केस में वंशिका वॉज नॉट एग्री विद मी. शी सेड मम्मा नहीं मुझे तो बाहर से ही सकते हैं ना, मुझे रियल गोल्ड नहीं पहनना ऑल था. बट एट द एंड हमने काफ़ी टाइम बाद इसकी ज्वेलरी बुक की थी एंड ओवरऑल लुक केम रियली वेल. व्हेन इट कम्स टू माय ज्वेलरी इवन ऑल द फंक्शन आई वोर माय रियल गोल्ड. सिर्फ शादी के लिए मैंने आई टोल्ड मैंने ओम सन से सेट लिया था. आई जस्ट परचेज क्योंकि रेंटल कोई उस सेट से आई वॉज हैप्पी. ओवरऑल वो मेरे लहंगे से इतना मैच कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे लहंगे के स्टोन सब कुछ निकाल कर वो बनाया गया है. तो जी हाँ, ये छोटी छोटी बातें जो थी सब हुआ. सब ने बहुत तारीफ की खाने की, सब ने प्रेस किया. लड़की वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस दिन होस्ट होते हो वो इवेंट आपके लिए बहुत. ऑल दो आजकल वो ज़माना नहीं रहा लड़की वाले लड़के वाले, बट स्टिल एक रहता है कि नहीं आप अच्छे होस्ट बने, सबको सब चीज़ पसंद आए. और डेकोरेशन से लेकर खाने तक हर चीज़ वहाँ पर बहुत पसंद आई. एवरीबॉडी इज़ प्रेजिंग अबाउट फूड डेकोरेशन एंड स्पेशली व्हेन द वरमाला हैपेंड दैट स्मोक एंड क्रैकर्स एंड दैट म्यूजिक वी प्लेड द भगवान जी का म्यूजिक. सो इट वॉज लाइक उतना सिनेरियो उतना सीन वॉज लाइक फॉर मी ड्रीम. When it comes to rats situation, rats उस दिन robot थी, मैं robot थी. मैं कुछ time तक बाद मैं blank हो चुकी थी क्योंकि वो 5 दिन का था, 5 दिन का नहीं था guys, वो 6-7 महीने की थकान निकल रही थी उस दिन. तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई कह रही आज इसके इनके साथ फोटो ले लो, मुझे आई स्टिल रिमेंबर फोटो कर इनके साथ फोटो ले लो. अच्छा आई डोंट रिमेंबर नाउ, मैं देखती हूँ तो अच्छा मैंने सबके साथ फोटो हुई है मेरी. तो उस दिन rats robot हो चुकी थी, काम नहीं कर रहा था, टांगे जवाब दे रखी थी, बॉडी नम थी क्योंकि पता था बेटी की विदाई. मैं वंशिका की एंट्री हुई, आई स्टार्टेड क्राइंग. मेरा रोना रुके ही नहीं, मेरे का प्रॉब्लम है वो भी नहीं, मुझे बहुत रो रहा था तो फिर मेरा रोना निकल गया. एंड उस दिन पता नहीं क्यों मैं इतनी सॉफ्ट दिल हो गई थी क्योंकि बहुत 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 मुश्किल टास्क है गाइस, बिलीव मी ये बहुत मुश्किल टास्क है. ओके छोड़िए इमोशनल बातें, छोड़ दीजिए. वंशिका की एंट्री हुई, माँ हूँ ना. तो बस वरमाला हुई. जी हाँ, हमारे हर्षित जी की मॉडर्न बारात एकदम कार वार में, विंटेज कार एकदम स्पेशल बारात आई. एक मैंने एग्रीमेंट बनवाया था, दैट ऑल्सो वॉज माय आइडिया अगेन. इंटरनेट जिंदाबाद, पिंटरेस्ट जिंदाबाद. तो मैंने एक वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जिसमें हर्षित को साइन करना था. सो दैट ऑल्सो कबीर हैज़ टेकन केयर फॉर प्रिंटिंग का. तो हम तीनों वंशिका मैं और हम तीनों कोऑर्डिनेट करते थे. यूज़ टू सेंड मी द प्रिंट, मम्मा देखो ये सेम आ रहा है, मम्मा देखो ये सेम आ रहा है. तो जी हाँ, थैंक्स मनीष, ये अभी भी हमारे पास है. एक्चुअली हमें ये कब मनीष कब हर्षित को दे देना चाहिए ना, या हमारे पास रहना चाहिए. आई लास्ट अभी वो आएगा. तो ये इधर हर्षित के सिग्नेचर भी है, ये देखिए. तो ये था हमारा वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली. तो बहुत ही सुंदर ये बनकर आया था. तो हमने एक ही थे जिनसे सब ये काम कराया था, जो डॉक्टर के रूल्स और ये सब. तो बहुत अच्छा बना था. पार्टीज थी इसमें वंशिका एंड हर्षित. आई हर्षित अग्री टू द फॉलोइंग कुछ रूल्स थे जिनको हर्षित ने माना था और साइन किए थे. हर्षित रिकॉर्ड है हाँ. तो जी हाँ, हम आई थिंक ये रिचुअल सब में होता होगा जब बारात आती है एंट्री में रिबन कटिंग. तो उसमें भी ये फन था, उसी में हमने ये वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था. एंड बच्चों को दे हैव गिवन सम मनी. जूता छुपाई हुई, बच्चियाँ सफल रहीं जूता छुपाने में, तो वो भी मिला. एंड हर रिचुअल बहुत अच्छे से हुआ, बहुत पैसा नहीं लग रहा था कि. तो जी हाँ, विदाई का टाइम आया. कबीर वॉज वेरी स्ट्रांग. मम्मा मैं तो नहीं रोने वाली, जाएगी मुझे पूरा रूम मिलेगा. ही वॉज द फर्स्ट वन हु क्राइड सो बैडली. पजामा पार्टी में सबसे ज़्यादा रोया. कॉकटेल में ही क्राइड. और एक पार्टी हमने घर में की थी, ही क्राइड. तो महाशय डोली में नहीं रोएंगे, तो
सबसे पहले ज़्यादा. एंड व्हेन एवर इट हैपेंस, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या है कि जब व्हेन आई सी कबीर रोता है ना, मैं ब्रेक डाउन हो जाती हूँ. ये मेरा घर में सबको पता है कि अगर कबीर, इफ़ आई सी कबीर इज क्राइंग, इसको इनको पता है, सबको पता है कि बस अभी मम्मा का ब्रेक डाउन हो जाएगा. मैं एज आई सॉ कबीर वॉज क्राइंग, मेरी तो गंगा जमुना सब बहने लग गई. एंड मनीष तो लाइक ही इज़ वेरी क्लोज टू वंशिका, बेटी बाप का रिलेशन ही ऐसा है. तो डोली में आई थिंक सब एवरीबडी वॉज क्राइंग. तो भाइयों ने विदाई करी, हम सब ने विदाई करी. शादी की दास्ता, कोई हैसल्स नहीं थे, कुछ ऊपर नीचे नहीं था, सब कुछ गॉड ग्रेस बाबा की कृपा से, उन्हीं के नाम से शुरू किया था, सब बहुत अच्छे से हुआ. तो आई एम श्योर गाइस आपको ये वेडिंग सीरीज पसंद आई होगी. और चलिए अब मज़े कीजिए, थोड़े से कुछ वीडियोस देखिए, थोड़ी सी कुछ ब्यूटीफुल अनसीन पिक्चर्स देखिए, कुछ अनसीन वीडियो देखिए जो हम लोगों ने कैप्चर किए थे, और इन्जॉय कीजिए. और अगर आपको वेडिंग सीरीज, घर की पहली शादी, राज की दुनिया पे पसंद आया हो तो मत भूलिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और हिट द बेल आइकन सो यू बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट और शेयर द न्यू वीडियो. सो गाइस ओम साई राम, कीप स्माइलिंग, बने रहिए राज के साथ. बाय बाय. आवाज मत करना बच्चा. अरे क्या इतने आते हैं बटे डालते हैं कोई नहीं. हाँ तुमको इनसे वो आदमी नहीं चाहिए कहीं. हाँ बहुत ऐसे ही होता है. ये है क्या फोटोग्राफर के डर तो बच्चे देगा अपना. कटु वाक्यम न बनिए तदा हम वाम आंगे अच्छा कि जब मैं अपनी सखियों के साथ बैठी हूँ. और भगवान विष्णु हमारे पर कृपा करें. मेरे काजू कहाँ हैं.